समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। जीवन में क्या करना है यह रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह महाभारत सिखाती है, और जीवन कैसे जीना है यह गीता सिखाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, और 8 अक्टूबर यानी कि आज का राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आइए अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 8 अक्टूबर 2020 को गुरुवार है। आज के विशेष उपाय में कैसे करें गणपति प्रतिमा से वास्तु दोष निवारण, जो कल के 4 बचे हुए रूपों का वर्णन वो आज करूंगा इस एपिसोड के अंत में, देखिएगा जरूर। संवत 2077 का द्वितीय आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है, आज षष्ठी तिथि है, शाम को 4:36 तक, उसके बाद सप्तमी तिथि आ जाएगी। आज मृगशीर्ष नक्षत्र है, रात को 10:49 तक, और आज वृषभ राशि का चंद्रमा है, सुबह 9:46 तक, उसके बाद में मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। आइए अब बात करें राहु काल की। आज दोपहर 1:30 से लगा करके 3 तक राहु काल रहेगा। इस समय काल में प्राय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन अब जो मैं मुहूर्त बता रहा हूँ शुभ चौघड़ा मुहूर्त, उसमें सभी शुभ काम करने के लिए इस मुहूर्त का इंतजार किया जाता है। वह समय है प्रातःकाल 6:37 से 8:07 तक, और फिर वापस दोपहर में 12:37 से 2:07 तक। आइए अब बात करें यात्रा मुहूर्त की। आज पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में यात्रा करना सुखद रहेगा, शुभ रहेगा। वहीं दक्षिण दिशा और अग्नि दिशा साउथ ईस्ट दिशा में दिशा शूल रहेगा। ऐसी स्थिति में आप दही खा करके उस यात्रा का आरंभ कर सकते हैं, यदि जाना जरूरी है, इमरजेंसी है तो। आइए अब बात करें शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, काहल योग, अमर योग और राजयोग का साथ मिलेगा। आपकी कुंडली में भी बहुत से राजयोग हो सकते हैं, यदि आपके पास में राजयोग की कुंडली है तो, और यदि आपके पास राजयोग की कुंडली है तो उसमें विस्तार से सब कुछ लिखा हुआ है, और उस कुंडली में एक साथ में 3 कुंडलियां बनी हुई है। अंक ज्योतिष की कुंडली भी है, लाल किताब की कुंडली भी है, वैदिक ज्योतिष की कुंडली भी है, और सब कुछ विश्लेषण आपको उसमें प्राप्त होगा, और साथ ही साथ कौन से राजयोग हैं, कौन से शुभ योग हैं, और कौन से आपकी कुंडली में अशुभ योग हैं, और कौन से मिश्रित योग हैं, इन सभी का आपको विश्लेषण प्राप्त होगा। आइए अब बात करें नवरात्रि की। नवरात्रि पर दुर्गा पूजा कलश का उपयोग के बारे में हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए बहुतों को देखा होगा। जब कभी सफलता नहीं मिलती तो भाग्य खराब है, भाग्य में नहीं लिखा है, या भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इस प्रकार की बातें लोग कहते हैं। लेकिन वास्तव में भाग्य क्या है? मात्र एक अवसर। अगर हमने आने वाली इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो माता के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आपको दूर रख सके। दुर्गा मां की शक्ति के स्वरूप का ही पर्व है नवरात्रि। अखिल ब्रह्मांड की मां शक्ति, ऐश्वर्य व ज्ञान की अधिष्ठात्री मां जगदम्बे के 9 रूपों की उपासना का दुर्लभ अवसर ही है नवरात्रि। नवरात्रि के शुभ आगमन पर हमने आपके लिए नवरात्रि पूजा कलश का निर्माण किया है, आपकी अपनी समस्याओं या कामनाओं के लिए। चाहे वो कामना ग्रह सुख पाने की हो, व्यापार वृद्धि की हो, या कर्ज से राहत की हो, वाद विवाद में शत्रुओं से शांति की हो, या विवाह बाधा निवारण की हो, नौकरी पाने की हो, आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए हो, इस नवरात्रि पूजा कलश का प्रयोग आप कर सकते हैं इन कामनाओं के लिए या अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। इस कलश में मुख्य रूप से 8 सामग्री है जो दुर्गा पूजा उपासना के लिए विशेष है, और इसका प्रयोग आपको नवरात्रि में करना है अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। कैसे करना है यह साथ में विधि विधान आपको मिलेगा ही। यह नवरात्रि पूजन कलश बस आपसे एक फोन कॉल की दूरी पर है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। आइए अब आरंभ करते हैं 8 अक्टूबर 2020 का आज का राशिफल, और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि से सेकंड हाउस में चंद्रमा विद्यमान है, सेकंड हाउस धन और संपत्ति का माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का 7 और अष्टावक में 24 ये सारा कॉम्बिनेशन मिला करके 67% इस चंद्रमा को पॉजिटिव बनाता है, 33% फिर भी आपको कहीं ना कहीं मायूस रहना पड़ सकता है।
लेकिन एक अच्छी चीज है यहाँ पर कि सुबह 9:46 से ही चंद्रमा अगली राशि में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद में आपकी स्थिति और ज्यादा बेटर हो जाएगी। अतः उस समय 100% ये चंद्रमा आपको गेन देगा, सक्सेस देगा। तो ऐसी स्थिति में दिन की शुरुआत में आपको मान सम्मान, फाइनेंशियल गेन की स्थिति बनेगी, नए कामों में, नए प्रयासों में, या कोई भी जिसने भी नया बिजनेस किया है, नया एग्रीमेंट किया है, नया प्रोजेक्ट लिया है, नया कोई काम लिया है, उसमें उन्हें सक्सेस मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, या काम तेजी से आगे बढ़ेगा। और आज सुबह 9:46 के बाद में उस काम में एक प्रकार से ये बोल दीजिए टॉप गियर लग जाएगा, वो स्थिति और ज़्यादा सुखद हो जाएगी। जो स्थिति सुबह से होगी वो आपको 10 बजे तक होते होते स्थिति आपके लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली, और ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आज के दिन एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या ये हो सकता है सुबह सुबह ही आपका जीवन साथी से या बच्चों से किसी बात पर बहस हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो बहस सिर्फ और छोटी सी नोकझोंक तक रहेगी, उसके बाद में स्थिति ठीक हो जाएगी। राशि से सेकंड चंद्रमा व्यक्ति को लालच में, दुर्भावना में या पाप प्रवृत्ति की ओर धकेलता है, इसलिए सुबह सुबह कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपको सारे दिन गिल्ट रहे, सारे दिन आपको अपराध बोध रहे कि आपने गलत कर दिया, किसी के साथ में गलत कर दिया। राशि से तीसरा चंद्रमा जब 9:46 से आ जाएगा, तब आपको इन्वेस्टमेंट के इनकैशमेंट का फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो भी आप कामकाज करेंगे, जिससे भी मिलने जाएंगे, वहाँ आपको सफलता भी मिलेगी, वो लोग आपका कामकाज भी करेंगे, और साथ ही साथ आपकी गुडविल, आपका नाम या आपकी स्ट्रेंथ, ये सब कुछ भी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली पराक्रम का चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा सुखद एहसास भी देगा। आज का लकी कलर है एक्वा कलर, और आज का लकी नंबर है 7। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा अर्थात बाधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 ये कॉम्बिनेशन मिला करके इस चंद्रमा को 67% ही पॉजिटिव रखता है। 33% आपको कहीं ना कहीं मायूस रहना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और यही स्थिति 9:46 के बाद में भी रहेगी जब यही चंद्रमा मिथुन राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि से सेकंड हाउस में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सुबह सुबह स्थिति ज़्यादा बेटर रहेगी। जो काम आपको जितनी जल्दी हो सके आज का सुबह सुबह का लॉट में काम निपटाना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम है, जो इमरजेंसी वाले काम है, या जो गेन वाले काम है, उनको आपने सुबह सुबह ही जहाँ तक संभव हो कंप्लीट कर दें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन से मिलने जाना था जिससे आपका रुपया पैसा अटका हुआ था, या जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थे, आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो आपको नौकरी दिलवाने वाले हैं, उनसे मिलने के लिए सुबह सुबह ही चले जाइए, ताकि उनके साथ में ही उस ऑफिस तक आप चले जा सकें या ऑफिस तक पहुंच पाएं, वो स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकती है। आज के दिन आपकी जानकारी में, शुभ संयोगों में, अच्छे लोगों से मिलने में सक्सेस मिलेगी। जो लोग नए लोगों से मिलना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, मीटिंग में जाना चाहते हैं, या कोई कोई नया काम के लिए किसी के साथ में अप्रोच लड़वाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जन व्यवहार में आज सफलता मिलेगी। अतः जिन लोगों से आज मिलेंगे या लोगों को मिलाएंगे, वो आज के दिन आपको सुखद एहसास देगा। सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए आज का चंद्रमा शुभ है। आज का लकी कलर है लेमन कलर और आज का लकी नंबर है 2। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आज सूर्योदय से ही आपके लिए चंद्रमा राशि से 12th हाउस में, एक्सपेंसेस हाउस में चंद्रमा, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 ये सारा कॉम्बिनेशन मिला करके इस चंद्रमा को 33% ही शुभ बनाता है। 67% आपको नेगेटिविटी देखने को मिलती है, लेकिन जो ही दिन की शुरुआत थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है 9:46 से, अर्थात आप अप्रॉक्स टाइम मान लीजिए 10 से ये चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ से आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, और ये चंद्रमा जो 33% आपके लिए पॉजिटिव है, वो 67% आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगा। अर्थात सिर्फ देखते ही देखते कुछ घंटों में स्थिति 1/3 आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में फिर जो भी आप एफर्ट करेंगे, उस एफर्ट में आपको गेन मिलेगा। जहाँ तक संभव हो सुबह सुबह आप आज ऑफिस लेट पहुँच जाइए, या थोड़ा सा लेट लतीफ़ी कर दीजिए, टाइम को मैनेज कर दीजिए, ताकि 10 के बाद ही आप दिन की शुरुआत करें। वहाँ तक घर में ही काम निपटा लीजिए, फ़ोन पर काम निपटा लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है।
क्योंकि जब आप काम धंधे के लिए जाएंगे या घर से निकलेंगे वो पॉजिटिव एनवायरमेंट होगा, पॉजिटिव टाइम पीरियड होगा जिसमें सब गेन ही गेन देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको फाइनेंशियल गेन के लिए या कोई डील के लिए, एग्रीमेंट के लिए या अपने काम काज के लिए या किसी से पैसा ही बाकी है उसके लिए ही जाना पड़े तो भी उसमें सफलता की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा सुखद रहेगी, लेकिन वो यात्रा 10 बजे के बाद में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का समय स्टार्टिंग में सुबह सुबह यदि कोई क्लासेज है या ऑनलाइन क्लासेज भी है तो चिंता का विषय रहेगी। आपका कंसंट्रेशन कहीं और होगा और क्लास कहीं और चल रही है तो आपको उस चीज़ को समझने में कुछ टाइम लगेगा या आप खुद अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ये हो सकता है। हाउसवाइफ को जहाँ तक हो सुबह सुबह अपनी दिनचर्या को बहुत व्यवस्थित करना है और बहुत शांति धारण करनी है, क्योंकि आज के दिन सुबह सुबह ऐसी कुछ चीज़ें आपको सुनाई जा सकती है जो आपको अपमानित करें या आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस में ले आए। ऐसी स्थिति में उस समय काल को इस ढंग से मैनेज कीजिए कि आप इग्नोर कर पाएं या आप जो नेगेटिविटी है उसके सामने ही नहीं पड़े, वो स्थिति को मैनेज करने की स्थिति है। लेकिन आज का दिन सुबह 10 बजे के बाद में स्थितियां आपके पक्ष में हैं, इसलिए आने वाला दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा है और आज सांसारिक सुख और गृह सुख, दाम्पत्य सुख भरपूर मिलेंगे। आज का लकी कलर है टेराकोटा कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि में 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है जो कि बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में है, लेकिन ये चंद्रमा सिर्फ कुछ घंटों के बाद में राशि से 12th हाउस में पहुंच जाएंगे, तब यही चंद्रमा आपको नेगेटिविटी देंगे, फालतू में स्ट्रेस देंगे, डिप्रेसिव थॉट देंगे, उससे आपको बचना चाहिए। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टयोग में 35 डॉट, ये स्थिति सुबह सुबह आपको 100 में से 100% चंद्रमा को पॉजिटिव बनाती है, लेकिन 10 बजे से इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव कर देगी, 33% फिर भी आपको फेस करना पड़ेगा। और वो फेस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा करेंगे, अपने घर वालों से या फ्रेंड सर्कल में जहाँ पर भी जाएंगे कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिकल्स के साथ में काम होगा या आप अपने आप को अपमानित सा महसूस करेंगे। लेकिन जो कुछ भी काम आप सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे वो आपकी आय में वृद्धि करेगा। जो बिजनेसमैन है उनको सुबह सुबह जहाँ तक संभव हो, सुबह यदि आप 9 बजे फैक्ट्री पहुँचते हैं, 9 बजे शोरूम पहुँचते हैं, तो आज आप आधा घंटा पहले पहुँचिए ताकि आपका शोरूम या दुकान खुली देख करके ग्राहक जितनी जल्दी हो आप तक पहुँच पाएँ, ताकि आप सुबह सुबह के जो आपका टाइम पीरियड है राशि से 11वां चंद्रमा का वो आप उसको इनकैश कर पाएँ, उसका फ़ायदा आप ज़्यादा उठा पाएँ। स्टूडेंट के लिए आज का चंद्रमा 10 बजे के बाद में अच्छा नहीं है, व्यर्थ में ही लोग आपको परेशान कर सकते हैं या और कोई फ्रेंड की लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं या वो आपका नाम लेकर के डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने घर वालों से बात कीजिए या जो आपके बड़े भाई हैं, अंकल हैं, उनसे बात कीजिए ताकि वो आपका सपोर्ट भी कर सकें और सही बात आपके घर वालों तक पहुँचा भी पाए। आज का लकी कलर है चेरी रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है, स्पेशली बिजनेस वालों के लिए, अपना कामकाज करने वालों के लिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा सुखद है। और इससे भी ज़्यादा बेटर चंद्रमा आने वाला है सुबह 9:46 पे, जहाँ वो राशि से 11th हाउस में पहुँच जाएंगे, तब और ज़्यादा सुखद रिजल्ट देंगे। और ये चंद्रमा आने वाली 10 तारीख तक शाम को 7:09 तक कंटिन्यू आपको गेन देता रहेगा, कंटिन्यू आपको बेटरमेंट देता रहेगा। उसके बाद में आपको 12 तारीख की रात को 12:07 तक ये चंद्रमा राशि से 12th हाउस में रहेगा, वहाँ तक आपको नेगेटिविटी मिलेगी, फालतू की चीज़ें आपको परेशान करेगी या आप स्ट्रेस में रहेंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी काम काज करेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलने की जगह पैसा फंस सकता है, नुकसान ज़्यादा हो सकता है या आपकी बदनामी हो सकती है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको मैंने बताया उसका फायदा आप उठा सकते हैं। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टयोग में 29 डॉट, ये सब मिलकर के 100% चंद्रमा को पॉजिटिव बनाते हैं। आज सूर्योदय के समय भी और उसके बाद में 9:46 से भी ये चंद्रमा कंटिन्यू आपके लिए सेम स्थिति रहेगा, अर्थात गेन लगातार 100% मिलता रहेगा। ऐसी स्थिति में जो लोग भी नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने काम काज के लिए अप्रोच करना चाहते हैं और स्पेशली जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, इंश्योरेंस वाले लोग हैं, उन लोगों को रोजाना कोई ना कोई क्लाइंट को समझाना पड़ता है, अप्रोच करनी पड़ती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, क्योंकि सफल लोक संबंध बनाने के लिए आज का दिन आपके लिए कमाल का रिजल्ट देने वाला है। जो लोग व्यापारी हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने वाली है,
जो उन्होंने सोचा नहीं, उतनी बड़ी डील, उतना बड़ा सौदा मिल सकता है, या ये बोल सकते हैं बल्क में कोई ना कोई ऑर्डर मिलने वाला है जिससे आपको प्लानिंग नए ढंग से करनी पड़ेगी और आने वाला फेस्टिवल वाला जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। आज के दिन परिवार का सुख, साथ ही साथ संतान के साथ में अच्छा पैचअप, या ये बोल सकते हैं जो उनकी नाराजगी है आज वो उनको दूर कर पाएंगे, उनकी नाराजगी को दूर करके अच्छे संबंध स्थापित हो जाएंगे। आपके काम काज में आपको डीप नॉलेज लेने की इच्छा जागृत होगी और साथ ही साथ आज के दिन अपने आप का कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ ये दोनों बलवान होगी। और 9:46 के बाद में जो भी एफर्ट करेंगे उसमें गेन ज़्यादा होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो और चाहे इन्वेस्टमेंट को इन कैश करना हो, चाहे आपका जॉब हो या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से आपको गेन करना हो, स्थितियां आपके फेवर में ज़्यादा होंगी। आज का लकी कलर है पिंक कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है जो कि मिश्रित रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ या ऑब्स्टेकल्स देगा और अष्टक वर्ग में 24 डॉट, ये सारा कॉम्बिनेशन मिला करके 67% इस चंद्रमा को पॉजिटिव बनाता है, 33% इस चंद्रमा को वीक बनाता है। 9:46 के बाद में भी स्थिति सेम रहने वाली है, लेकिन 9:46 के बाद में जो चंद्रमा आएगा वो 12 तारीख की रात को 12:30 तक कंटिन्यू आपको गेन देता रहेगा। इसलिए आने वाले समय में ये 5 दिन आपके लिए जबरदस्त गेन के हैं। आप इन 5 दिनों का इस ढंग से यूज करें, इस ढंग से शॉर्ट टर्म गेन में इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आप इस समय काल का फायदा उठा पाए, इस समय काल को इनकैश कर पाए, या ये जो 2 चंद्रमा राशि से 10 चंद्रमा और राशि से 11th चंद्रमा, इन दोनों का फायदा आप उठा सकते हैं अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में, या यदि कोई महत्वपूर्ण लोगों से मिलना है तो इस समय काल का उपयोग कीजिए। अपने संतान का रिश्ता करना है, इस समय काल का उपयोग कीजिए। आने वाले 11 अक्टूबर को अधिक मास में पुष्य नक्षत्र है और वो रवि पुष्य नक्षत्र है, ये अत्यंत शुभ योग है। इसका ज़्यादातर लोग शॉपिंग में इस्तेमाल करते हैं, कुछ न कुछ खरीदना होता है उसके लिए इस समय काल का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में आप भी इस समय काल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको आने वाली बहू के लिए कुछ खरीदना, ऑर्नामेंट्स खरीदने, तो इस समय काल का यूज़ कीजिए। या आपको अपनी बिटिया की शादी करनी है तो उसके लिए कुछ खरीदना है तो इस समय काल का उपयोग कर सकते हैं। सब मिला करके ये समय काल जो आपके सामने आ रहा है, आपका चंद्रमा भी बेटर है और साथ ही साथ रवि पुष्य नक्षत्र भी है, अधिक मास भी है जो कि 3 वर्ष में एक बार आता है, इतने सारे जो योग हैं, शुभ योग हैं, वो आपके लिए एक प्रकार से कमाल करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको कहीं ज्वाइन भी करना पड़े तो भी 11 तारीख को ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त माना जाएगा, तो ये आप कहीं नोट कर लीजिए। आज का दिन आपको कहीं ना कहीं अपने कामकाज में ज़्यादा व्यस्त रखेगा, या कोई नई डील हो सकती है, सरकारी अधिकारियों से कोई काम है या गवर्नमेंट सेक्टर से कोई काम है, तो आपका समय बहुत ज़्यादा बेटर है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। आज का दिन धर्म कर्म में, दान धर्म में, या फिर धार्मिकता में, आध्यात्मिकता में ज़्यादा बीतेगा और सुखद अनुभूति रहेगी। आज का लकी कलर है पर्पल कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से अष्टम भाव में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है, यह स्थिति सुखद नहीं है। वध तारा नक्षत्र का साथ मिल रहा है, वो स्थिति सुखद नहीं है और अष्टक वर्ग में 34 डॉट है, ये जरूर सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सूर्योदय से 9:46 तक 67% चंद्रमा नेगेटिव है और 9:46 के बाद में 67% चंद्रमा पॉजिटिव है, 33% नेगेटिव है। ऐसी सिचुएशन में सूर्योदय से लगा करके 9:46 तक, या फिर अप्रोक्स मान लीजिए 10 बजे तक, आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। अपने पारिवारिक जो भी सदस्य हैं उनके साथ में मतभेदों से, कहासुनी से, छोटी छोटी चीज़ों से दूर रहें और जहाँ तक संभव हो आप 10 बजे तक मौन व्रत धारण कर लें। और या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने रूम से या अपने घर से ना निकलें ताकि नेगेटिव स्थितियों से बच पाएँ, ना तो एक्सीडेंट हो, ना कोई चोट लगे और ना किसी के साथ में बहसबाजी हो और ना आपका नुकसान हो। ऐसी स्थिति में 10 बजे से जब आप आज का दिन आरंभ करेंगे तो कंटिन्यू आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि से 9th हाउस में चंद्रमा चला जाएगा, तब स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी और ये नेगेटिव चंद्रमा के दोष से भी आप निवृत्त हो जाएंगे। आज का दिन सूर्योदय से लगा करके 10 बजे तक अच्छा नहीं है, चोट या दुर्घटना या आकस्मिक विपत्ति अनहोनी के सामना हो सकता है। आज के दिन सुबह सुबह जो भी परिवार वाले हैं उनके साथ में कोई ना कोई बात पर बहस हो सकती है, लेकिन उसके बाद में स्थिति आपके लिए शुभ हो जाएगी,
अर्थात धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य में, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और आज का सारा दिन आपका एक प्रकार से स्पिरिचुअली निकलेगा, आध्यात्मिक माहौल में ही निकलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सुखद है। संतान के साथ में यदि आपको कहीं जाना है या संतान के साथ में किसी को मिलवाने जाना है तो आप 10 बजे के बाद का टाइम डिसाइड करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। हेल्थ का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा आने वाली 10 तारीख की शाम को 7:09 तक, क्योंकि वहां तक राशि से 9 चंद्रमा रहेगा। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये सब मिला करके 100% चंद्रमा को पॉजिटिव बना देते हैं। लेकिन अफसोस कि आज का चंद्रमा 9:46 से राशि से 8th हाउस में चला जाएगा, तब 67% ही पॉजिटिव रह पाएगा। ऐसी स्थिति में आप सुबह सुबह जो भी शुभ कार्य है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद में तो आपको स्ट्रेस देखना ही है, सारे दिन स्ट्रेस देखना है। ऐसी स्थिति में अपने खुद पर कंट्रोल, फालतू चीज़ों से दूर, या जो नेगेटिव लोग हैं उनके पास में जा करके आप अपना भी अपमान कराएंगे और व्यर्थ में ही उलझन में फंसेंगे, उससे अच्छा है उनसे दूर रहें, वो ही आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इन स्थितियों से बच नहीं सकते, इनको फेस करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्ट्रगल का सामना करने के लिए, दुविधा का सामना करने के लिए आप रेडी रहिए। राशि से 7वां चंद्रमा जब भी होता है, आपको बिजनेस से या बिजनेस के लेन देन से, पार्टनरशिप के बिजनेस से, रिसोर्सेज से गेन होता है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, परिवार का साथ और वाहन का सुख आपको मिलता है, साथ ही साथ साहित्य का ज्ञान या बहुत ही ज़्यादा गूढ़ रहस्य की स्थिति आज आपको मिलती है। लेकिन जो ही सुबह 10 बज जाती है उसके बाद में आप कोई न कोई आकस्मिक विपत्ति से अनहोनी का सामना कर सकते हैं, या असावधानी से कहीं चोट लग सकती है, चाहे छोटी सी ही चोट लगे, सिर्फ पांव के नाखून तक ही चोट लग जाए, लेकिन वो सारा दिन आपको दुख तो देगी, परेशान तो करेगी। ऐसी स्थिति में जहाँ तक संभव हो राशि से 8वें चंद्रमा में अपने घर वालों से, ससुराल वालों से व्यर्थ की बहसबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको तनाव दे सकते हैं, और क्योंकि नेगेटिव बात करेंगे तो नेगेटिव बात का फल भी नेगेटिव ही होता है। जब आप किसी को नमस्ते करेंगे तो वापस रिप्लाई में आपको या तो खुश रहो या नमस्कार ही बोला जाएगा, लेकिन यदि किसी का अपमान करेंगे तो सामने वाला भी आपको कोई नमस्कार करे या आपको रेस्पेक्ट दे, ये नहीं होने वाला है। एक छोटा बच्चा भी जब उसे प्यार से बुलाते हैं तो बहुत अच्छे से आता है, और जो ही उसको गाली दे करके बुलाते हैं या अपमान करके उसको बुलाते हैं वो भी पास में नहीं आता है, इतनी समझ उसमें भी है। ऐसी स्थिति में आप आज का दिन बहुत सावधानी से अपने आप को बचाते हुए निकालना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको आज के दिन व्यर्थ में ही कहीं ना कहीं वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, उससे दूर रहें। आज का लकी कलर है ग्रे कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, ये चंद्रमा शुभ फल देता है। आज सुबह 9:46 पर राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाएगा, वो भी शुभ फल ही देगा, तो अल्टीमेटली ये चंद्रमा सारे दिन आपको बेटर रिजल्ट देने वाला है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट, ये सारा कॉम्बिनेशन मिला करके 100% चंद्रमा को पॉजिटिव बना देता है, तो सारे दिन आपको 100% चंद्रमा का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। राशि से 6th चंद्रमा आपको रोग मुक्त रखेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, और साथ ही साथ आज के दिन कोई विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, और जो परेशान करने वाले लोग हैं उनको भी आप सही करने के लिए, सीधा करने के लिए प्लानिंग रखेंगे, और उस स्ट्रेटेजी से आपको फायदा होगा, वो लोग आपको दुखी या परेशान नहीं कर पाएंगे। आज के दिन यदि कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा सुखद रहेगी। जो भी आज के दिन एक्टिवनेस दिखाएंगे, चाहे वो अपनी जॉब में हो, कामकाज में हो, चाहे आप डॉक्टर हैं तो भी आज के दिन जो भी एफर्ट करेंगे उसमें एप्रिसिएशन मिलेगी, चाहे आप पुलिस में हैं तो भी एप्रिसिएशन मिलेगी, और चाहे आप सेना में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बड़े पद पर हैं, तो भी आज आपकी एक्टिविटी से कुछ न कुछ बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाली है, आपके डिपार्टमेंट को भी और आपका भी नाम बढ़ेगा। फाइनेंशियल गेन, भाग्य का 7, आपकी रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट, और साथ ही साथ आज आपको परिवार वालों का 7 या सुखद पारिवारिक संबंध आज आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे, और यही समय काल आपको सांसारिक सुख और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख भी देंगे। आज का लकी कलर है ब्रॉन्ज कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है, ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है।
लेकिन 9:46 से ये चंद्रमा राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे, वहाँ से कंटिन्यू 5 दिन तक ये चंद्रमा आपको सपोर्ट करेंगे या गेंद देंगे, सक्सेस देंगे, इसलिए ये चंद्रमा पॉजिटिव होने जा रहे हैं। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये सारा कॉम्बिनेशन मिला करके 100% चंद्रमा को पॉजिटिव बना रहा है। लेकिन सुबह 9:46 तक जरूर आपको मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं। उसके बाद में कंटिन्यू आपको 12 तारीख की रात को 12:30 तक पॉजिटिव, सक्सेसफुल और गेन वाले रिजल्ट मिलेंगी, अर्थात हर हालत में आपको सक्सेस मिलेगी और आप खुश रहेंगे। आज सुबह सुबह संतान के साथ में बहसबाजी हो सकती है, आपने कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम उनको बोला था, लेकिन वो अपनी लापरवाही से वो काम भूल गए और ऐसी स्थिति में वो सारा कुछ खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और उन संतान को बचाने के लिए ऐसी स्थिति में घर वाले पेरेंट्स भी बीच में कूद जाते हैं कि नहीं इसने कर दिया तो कोई बात नहीं, तुमको तो ध्यान रखना चाहिए था, इंपॉर्टेंट काम है तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी चाहिए थी। तो ऐसी स्थिति में आप सुबह सुबह खींच सकते हैं, सुबह सुबह इरिटेट हो सकते हैं या सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस में आने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका है, आप उसको वापस ठीक नहीं कर सकते, अब क्या करना है वही प्लानिंग आपको करनी होगी। ऐसी स्थिति में खुद के कंधों पर ले लीजिए, वही आपके लिए बेटर हो सकता है। तो राशि से 6th हाउस में चंद्रमा जाते ही जो कि 9:46 से जाएगा, उसके बाद में कंटिन्यू आपके लिए टाइम पीरियड बेटर है। और ऐसी स्थिति में जो कुछ भी नेगेटिविटी हो चुकी है, जो कुछ भी गलतियां हो चुकी है, उसको भी आप सही कर लेंगे और आगे आप जो भी अप्रोच करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसके अंदर आपको सुखद रिजल्ट मिलेंगे, आपको गेन मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, विरोधी हैं, वो आपका अहित नहीं कर पाएंगे। सब मिला करके ये दिन आपके लिए सांसारिक सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए, इन्वेस्टमेंट में गेन के लिए और साथ ही साथ एप्रिसिएशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दाम्पत्य सुख और गृह सुख आज भरपूर मिलने वाला है। आज का लकी कलर है एक्वा कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है, ये चंद्रमा कतई शुभ रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन आज सुबह 9:46 के बाद में राशि से 5th हाउस में चंद्रमा चला जाएगा तो फिर भी आपको राहत मिलने वाली है। नक्षत्र तारा के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट, ये सारा कॉम्बिनेशन मिला करके 67% चंद्रमा को पॉजिटिव बना देंगे और 33% फिर भी आपको कहीं ना कहीं मायूसी देखनी पड़ेगी या मायूसी रखनी पड़ेगी। आज सुबह सुबह ही अपने पेरेंट्स के साथ में वाद विवाद हो सकता है या किसी के हेल्थ की प्रॉब्लम की आपको खबर आ सकती है, कोई फोन कॉल आ सकता है, उससे आप बहुत ज़्यादा व्यथित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि बहुत करीबी व्यक्ति को कोई अनहोनी हो गई हो जिसका समाचार आपको सुबह सुबह मिल जाए। ऐसी स्थिति में थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, अपने आप को संभालिए, क्योंकि आपको दूसरों की सहायता भी करनी है। जिनके घर कोई अनहोनी हुई है वहां पर जाकर के आपको संभालना भी पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो इस स्थिति में नहीं होंगे कि अपने आप को कंट्रोल कर पाएं, संभाल पाएं। और या फिर आपको सुबह सुबह ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका ट्रांसफर हो चुका है या आपको लंबी यात्रा के लिए कहीं जाना है या आपकी कोई पोस्टिंग ऐसी जगह हो गई है, मान लीजिए आप एयरफोर्स में हैं, सेना में हैं, आर्मी में हैं, तो ऐसी स्थिति होना आम बात है। इस सिचुएशन में जहां तक हो अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि उसके बाद में 9:46 के बाद में आपके लिए चंद्रमा बेटर आ रहा है तो आपकी वापस जो अप्रोच करेंगे या आप किसी से बात करेंगे इस समस्या का निपटारा भी हो सकता है। हो सकता है आपकी पोस्टिंग रुक जाए या हो सकता है सही जगह पर आपकी पोस्टिंग हो जाए, जो आप जो सोच रहे थे उससे ज़्यादा बेटर हो, ये हो सकता है। इसके लिए टाइम के साथ में प्लानिंग कीजिए और अच्छे ढंग से स्टेप लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। राशि से 5वां चंद्रमा संतान के साथ में कहीं न कहीं आपको स्ट्रेस देता है या संतान की चिंता सताती है, सारा दिन ऑब्स्टेकल्स में रहना पड़ता है। और राशि से 5वां चंद्रमा जब होता है जो कि आज 9:46 के बाद में होगा, ऐसी स्थिति में आपको सट्टे से, जुए से, गैम्बलिंग से, स्पेकुलेशन से, इन्वेस्टमेंट से गेन नहीं होगा, ऐसी स्थिति में दूर ही रहना भला है। सेकेंड स्थिति, राशि से 5वां चंद्रमा व्यक्ति को मोह जाल में या बुरी आसक्ति में फंसाता है, इस स्थिति से भी बचना है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रेम प्रसंगों में हैं, उनको तो और ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आज का लकी कलर है गोल्डन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा मौजूद है जो कि हमेशा
शुभ रिजल्ट ही देता है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपद तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट, ये सब मिला करके इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव बनाते हैं, 33% नेगेटिव बना देते हैं। लेकिन आज सुबह 9:46 के बाद में ये चंद्रमा 33% ही पॉजिटिव रहेगा, 67% वीक हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि राशि से फोर्थ हाउस में चंद्रमा आ जाएगा और राशि से फोर्थ हाउस में आया हुआ चंद्रमा अपने घर और परिवार का क्लेश देखना पड़ता है, घर में बीमारी देखनी पड़ती है, और या फिर आपको घर में ही अपमानित होना पड़ सकता है, अपनों के ही द्वारा दुखी होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए फिर व्यक्ति को उच्चाटन होता है, वो घर से बाहर रहना ही ज्यादा पसंद करता है। उस स्थिति से बचने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ को ढूंढिए कि कौन ऐसा घर में है जो हमेशा इस प्रॉब्लम को जन्म देता है या आपको डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा प्रयोग करता रहता है या साजिशों को जन्म देता रहता है, फिर उसका इलाज ढूंढिए। और इलाज हमेशा दिमाग से ढूंढिए, क्योंकि इमोशन से इलाज नहीं होते हैं, इलाज हमेशा प्लानिंग से होते हैं, दिमाग से होते हैं। तो जो आपके खिलाफ दिमाग का यूज़ कर रहा है, आप भी दिमाग का ही यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज के दिन फाइनेंशियल गेन, शॉपिंग या अपने विरोधियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेंगे वो सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि जो दिन की शुरुआत है वो पराक्रम से हो रही है, एनर्जी से हो रही है, कॉन्फिडेंस से हो रही है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आज जब आप 10 बजे के बाद में टाइम देखेंगे उसमें अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। यदि आप जॉब में हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है, और यदि आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या आप आर्मी में, एयरफोर्स में, तब तो आपको अपने दिमाग को बहुत ठंडा रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, अन्यथा एक्साइटमेंट में अनायासी एग्रेसिव होकर के आप कोई नेगेटिव कदम उठा सकते हैं। आज का लकी कलर है पर्पल कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें आज के विशेष उपाय की, कि कैसे करें गणपति प्रतिमा से वास्तु दोष का निवारण। कल आपने गणपति महाराज के 4 रूप से वास्तु दोष निवारण के बारे में जाना था, आइए आगे बढ़े, अन्य 4 रूपों में कौन कौन से वास्तु दोषों का निवारण हो सकता है ये जानने का प्रयास करते हैं। अब गणपति महाराज का 5वां रूप है, वह है लंबोदर। लंबोदर अर्थात लंबे उदर या पेट वाले। हमारे पेट या उदर पर ऊर्जा का एक केंद्र होता है जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। यह चक्र हमारे बाहरी जगत से संबंधों का होता है। क्रोध रूपी शत्रु हमारे जीवन को नष्ट करता है, यदि हम अपने क्रोध पर और वो बातें जिनसे क्रोध उत्पन्न होता है उसको पचा सकें या उसको पचा पाएं तो जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। वास्तु की दृष्टि से यह रूप हमारे भवन निर्माण से आंगन को विस्तृत, खुला और स्वच्छ रखने की प्रेरणा देता है। आइए अब बात करते हैं गणपति जी के 6ठे स्वरूप की, वो है विकट स्वरूप। वास्तुशास्त्र में यह गणेश या गणेश जी का रूप भवन निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। मुख्य द्वार की स्थापना की दिशा के साथ ही भवन का अंतिम द्वार अर्थात बैकडोर और साथ ही साथ बाथरूम की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए या देवालय होना चाहिए और नैऋत्य कोण में आप बाथरूम बना सकते हैं या तिरछी रेखा में रखने का प्रावधान है। इसी रूप की भांति हम दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व या केंद्र को पृथ्वी तत्व की दिशा मानते हैं जो हमारे काम के केंद्र से ही संबंधित है। आइए अब बात करते हैं गणपति जी के 7वें स्वरूप की, वो है विघ्नराज। कहते हैं कि श्री गणेश जी अपने कमल पुष्प की गंध द्वारा समस्त देवी सेना को मूर्छित कर दिया था। श्री गणेश जी के जो कमल पुष्प पर विराजमान या उनके हाथ में कमल पुष्प की उपस्थिति वाली आकृति या उनकी प्रतिमा समस्त विघ्नों का हरण करती है, समस्त विघ्नों का नाश करती है। फेंग शुई में हृदय सूत्र ओम मणि पद्मे हुम इस मंत्र द्वारा विघ्न हरण या वस्तुओं को ऊर्जावान करने का प्रावधान है। भगवान गणपति का इस स्वरूप स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है, इसे आप घर के मध्य भाग में या ड्राइंग रूम में स्थापित कर सकते हैं, इससे घर में आने वाली मुसीबतों में कमी आती है। अब बात करते हैं गणपति के अंतिम स्वरूप की, 8वें स्वरूप की, वो है धूम्रवर्ण। धुएं जैसे रंग वाले गणेश जी एक दैत्य का वध किया था जो सूर्य की छींक द्वारा उत्पन्न हुआ था, यानी सूर्य द्वारा त्यागा हुआ। ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह भी धूम्रवर्ण का सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के विशिष्ट स्थिति में आ जाने से उत्पन्न होने वाला छाया ग्रह है। राहु ग्रह की शांति के लिए या सूर्य को जागृत करना उसके कुप्रभावों से मुक्ति दिला सकता है। वास्तु में
इसी कारण घर को बुरी नजर से बचाने के लिए मुख्य द्वार पर लोहे की नाल या घोड़े की नाल या स्वयं श्री गणेश जी को विराजमान करने का प्रावधान है। श्री गणेश जी महाराज का यह स्वरूप अनिष्ट ग्रहों की शांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रूप को मुख्य द्वार पर स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार गणपति महाराज की आठों अवतारों की प्रतिमाएं स्थापित करके हम विभिन्न प्रकार के वास्तु दोषों का निराकरण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। आपको हमारा यह प्रयास, ये जानकारी, ये एपिसोड या चैनल कैसा लगा? यदि आपको हमारी जो भी एफर्ट्स हैं या हमारा प्रयास आपको सही लगता है, इससे आपके जीवन में कुछ न कुछ उजाला हुआ है, कुछ न कुछ आपको सहायता मिली है, तो हमारा उत्साहवर्धन करें, इस एपिसोड को लाइक करें, जो आपके जान पहचान में है, जो आपके परिवारजन हैं, उन्हें शेयर करें, और साथ ही साथ जो आपको सही लगता है, जो आपकी इच्छा है आगे कुछ जानने की, उसके बारे में कमेंट करें, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में सम्मिलित हो जाएं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत 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 से ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें, गणपति महाराज आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।